ओरछा से कुछ हटकर और ग्वालियर से एक घंटे की दूरी पर है शिवपुरी। ये शाही सिंधिया परिवार के लिए गर्मियों की राजधानी थी। शिवपुरी का शांत वातावरण और मीलों फैला घना जंगल यहाँ के माधव नेशनल पार्क को यात्रियों का मुख्य आकर्षण बना देता है। डेसीडुअस फॉरेस्ट से भरा माधव नेशनल पार्क कितने ही जंगली जीव जंतुओं का घर है। पार्क में बनी आर्टिफिशियल लेक्स और जंगलों में बहते व्हाइट रॉक स्ट्रीम्स में अनेक प्रकार के जलीय जीव जंतु व पौधे दिखाई देते हैं। शिवपुरी के बीच मुगल शैली में बना एक बड़ा बाग भी है। छोटी छोटी पगडंडियों से जुड़े इस बाग के अनएक्सपेक्टेड शेडी नुक्स एंड कॉर्नर्स और ऑर्नामेंटल बैलुस्ट्रेड्स इस उपवन को एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस बना देते हैं। इसी बाग में चमकदार सफेद संगमरमर से बनी सिंधिया परिवार की समाधियों पर निर्मित छतरियां भी पाई जाती हैं। इन पर कीमती पत्थर और रत्न जड़े हुए हैं और नाजुक महीन पत्थर का काम दिखाई देता है। इनकी शिल्प कला की सज्जा देखते ही बनती है। यहां आज भी हर रोज ढलती शाम की खामोशी को संगीत का स्वर तोड़ जाता है। ग्वालियर घराने के गायकों का सधा स्वर जब शास्त्रीय रागों का आलम छेड़ता है तो राजसी ठाठभाट के पुराने दिन लौट आते हैं। सिर उठाए खड़े महलों के रैंपार्ट से इतिहास का धुआं उठता मालूम होता है। लगता है कि गौर से देखें तो शायद बीते कल के विलास और वैभव की झलक सी दिखाई देगी। कान लगाकर सुने तो सूने महलों की ईंट ईंट से बीते शौर्य और शान की दास्तानें सुनाई देंगी। ओरछा शिवपुरी की आप बीती यही कहती है कि अंत में आकर बचता है इतिहास, केवल इतिहास। Daily Indian Airlines flights from Delhi, Bombay and Bhopal connect the airport at Gwalior, 112 kilometers away from Shivpuri. The nearest major railhead is at Gwalior 2. And bus services connect Shivpuri with Gwalior, Bhopal and Jhansi.